हाँ तीसरे बार फिर रिपीट कर रही हूँ जी नूरुल्ला भाई। वो ये पहले जो सवाल का उसका जवाब नहीं मिला अभी तक इनसे, क्या देना नहीं चाहते ना, उन्होंने उसका क्या जवाब दिया? अच्छा वो बात ही नहीं कर रहे अपनी दुआ पे। हाँ ठीक है, चलो ये सवाल का जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, कम से कम इसी का सवाल का जवाब तो दे दो कि आप जो है दुआ होने के बाद मुखी साहब और कांबड़ा साहब जो है भारत जमात के साथ साथ में ये बोलते हैं, या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाजर इमाम, जमात के कुल गुना माफ कर, जमात को हकीकती समझ ले, जमात को उनकी मुश्किल आसान कर। अच्छा ये जो जुमला है इसमें अल्लाह का नाम कहाँ है भाई? उस्ताद आप वापसी अल्लाह का नाम ढूंढने बैठे। नहीं नहीं आपसे जवाब चाहते हैं भाई, वो अल्लाह का बेचारे नाम कहाँ है? जुमला, नहीं वो अब नॉन सीरियस हो गए, वो नॉन सीरियस हो गए, क्योंकि अब उनको अंदाजा हो गया कि अब इनके पास जवाब नहीं है। नहीं हाँ अजीब बात नहीं है भाई, अजीब अजीब बात नहीं है ये बात आपकी। आपने कहा कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आप चलते हैं, स्टार्टिंग में आपने ये कहा। जब आपसे हमने ये सवाल पूछा कि या इमाम जमान हाजिर इमाम की क्यों इबादत करते हो, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाजिर इमाम, ये जो इसमें जुमला है इसमें अल्लाह का नाम कहाँ है? कम से कम ये तो जवाब दे, क्या ये भी नहीं है जवाब? में है जी, दिल में होना चाहिए अल्लाह का नाम। और दिल में होना चाहिए ना, तो हाजिर इमाम का नाम क्यों ले रहे भाई? फिर उनका भी दिल में ले लो, वो दिल से हाजिर इमाम का नाम आ रहा है ना, हाजिर इमाम का नाम जो है वो दिल से ले रहे ना। अच्छा ये सुन ले, ये सुन लीजिए, या अली या नूर मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम हकीकती समझ देना, या अली या हाजिर इमाम तेरे फरमान पर चल सके ऐसी आला हिम्मत देना, या अलिया हजर इमाम हमारी खलताओं को हमारी गलतियों को माफ कर देना, या अलिया हजर इमाम हमेशा तमाम जमात को तमाम रूहानी बच्चे को आपके रहमत के अंदर आपकी छत्र छाया के अंदर रखना, या अलिया हजर इमाम दुनिया के तमाम दुख गम तकलीफ मुश्किलें उठाने की आला शक्ति और हिम्मत देना, या अलिया हाजिर इमाम जल्द आके आपके जाहिरी और बंदगी के अंदर बातिनी दीदार नसीब करना। गुरु जमात के है जिंदा सलवात पढ़ो अल्लाह जी। अब ये इसमें अल्लाह की दर है, इसमें अल्लाह की दर है, इसमें अल्लाह का जुमला की दर है, अल्लाह को कहाँ पुकारा आपने, क्या कर रहे थे आप? आमीन आमीन बोल रहे थे इनकी दुआ। हाँ तो यही मैं पूछ रही ना कि जो आप शिर्क कर रहे हो, आप हाजिर इमाम को खुदा मान के बैठे हो, इसका जवाब चाहिए ना हमें। आमीन आमीन तो आप करते हो, वो तो मुझे पता है, सारे स्माइली करते हैं। सेंस करती है ना, देखो अगर आप सेंस नहीं समझ रहे वो आपका कसूर है। एक बात है कि एक इंसान कहता है मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ, लेकिन फिर वो आमीन आमीन करे तमाम उन बातों पे जो अल्लाह की सिफात हैं, तो फिर वो इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है या अपने रब को धोखा दे रहा है, सवाल ये पैदा होता है ना। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब खत्म हो गया। जी जी बोलिए, कौन है भाई? जीशान। अच्छा जरा जोर से बात कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। जी देखें, बिल्कुल देखें, अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ और जी सवाल कर दीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ, पहले आप बात कर लें। दुआ नहीं आता कि इस लहर हमारे लिए मना मिले रब्बिल आलमीन,
स्टार्टिंग का एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये पार्ट ठीक है, आपने वो सारे पढ़े होंगे। ठीक है बिल्कुल तो पढ़े बिल्कुल। हाँ हिस्सा अव्वल आपका होता है। बोले बोले जी। जब वो दुआ थी अल्लाह के बाबरकत नाम से होती है, अब उसके अंदर भी अल्लाह ढूंढ रही होगी। ठीक है देखो ये इस तरह हो गया कि आपने बात सिर्फ सवाल नहीं, सवाल कर लो आप तो जवाब सुन लो ना, हिम्मत हौसला रखो, जब आप किसी से बात करने मैदान में उतरे हो ना तो थोड़ा हौसला रखो मेरे भाई, सवाल जवाब सुन लो ना, सुन रहे हो लेकिन आप समझ नहीं रहे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देती हूँ, सिर्फ एक मिसाल देती हूँ। आपने कहा, बात सुनिए, आपने कहा आप बिस्मिल्लाह से शुरू करते हो, आप सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ते हो, इसके बीच आप पढ़ते हो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब आप अल्लाह के साथ ये वादा करते हो, जब आप अल्लाह से ये वादा कर लेते हो तो फिर आप अपने 49 जो आपके मुर्दा इमाम है, 48 मुर्दा एक जिंदा, आप उन सबको कब्रों से निकाल निकाल के पुकार रहे होते हो, तो फिर आपने तो ये झूठ बोला ना, आपने ऊपर झूठ बोला, आपने अल्लाह से जो वादा किया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन आपने वो वादा तोड़ दिया, क्योंकि आपने अपने 48 मरे हुए इमाम और एक जिंदा इमाम को पुकार लिया। आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था ना, तब आप क्या कर रहे हैं, अपना अभी आप बोलते जाओगे अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नजीर भाई, नजीर भाई फिर क्या चेंज कर लिया? नजीर भाई आप सुनो मुझे, नजीर भाई आपसे जो है आज जो आपने जवाब नहीं दिया है आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, जीरो की मिस्ट्री को जरा बुलाएंगे, जरा कोई बड़ा है आपके साथ में, कोई मिस्ट्री है आपके मिस्ट्री को बुलाइए, आप पूछो कि आप दुआ पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो अल्लाह के बाबा के नाम से, आप अपने मौला जो आपको गाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, इसलिए उसके रिलेटेड आप बात कर रहे हैं। मौला का नाम नहीं ले रहा भाई, मौला की इबादत कर रहे हैं, की इबादत कर रहे हैं, जरा गौर करो तर्जुमे पे, जरा तर्जुमे पे गौर करें। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं या चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर या इमाम जमान या मौलाना तक कोई फिर से उस पर इमाम हाजिर इमाम से आज आपे आ जाते हैं, ये तो अल्लाह के साथ धोखा हो गया ना भाई, अल्लाह के साथ में आपने इबादत में शरीक किया आपके इमाम को, तो आपका इमाम आपकी इमाम की क्या हैसियत है अल्लाह के सामने यार? हाजी आपके इमाम की क्या हैसियत है अल्लाह के सामने? आप पहले जवाब दीजिए कि अल्लाह के साथ में आपने हाजिर इमाम को क्यों शरीक किया, उसका जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब दूं? हाँ जल्दी दीजिए। मैंने शुरुआत की अल्लाह के नाम से, फिर मैंने अपना पूरा जो है दुआ पढ़ लिया। कौन सी दुआ पढ़ी? मैंने हमारी दुआ जो आपने पढ़ी थी जब पहले फिर हाँ, पहले आपने सूरह फातिहा पढ़ा, उसके बाद फिर आपने दूसरे पार्ट पे आए, फिर तीसरे पार्ट पे आए, तीसरे पार्ट में भी आप हाजिर इमाम की इबादत करते हैं, तवस्सलु इंदल मसाइबी ली मौला कुबिल हाजिरिल मौजूद या शाह करीम अल हुसैनी, उसमें भी अल्लाह की हाजिर इमाम की इबादत है। हाँ चौथे पार्ट पे आ जाइए, चलिए बोले बोले। पता ही नहीं है क्या? पता नहीं है नहीं है इस बारे में क्या पता नहीं। अरे भाई मैं इस्माइली जब था ना भाई, मैं जब इस्माइली था, मैं टीचर है चुका हूँ, टीचर इस्माइलियों का, मैं बच्चों को बड़ों को दुआ सिखाता था, ईद नमाज सिखाता था, नमाज मैयत सिखाता था, मुझे मत सिखाओ भाई, तर्जुमा क्या है? ठीक है मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जो आपको सुन रहे वो बेवकूफ किस्म के लोग हैं। अच्छा लोग बेवकूफ है ना होता या अपने बारे में खुद अपने बारे में रिसर्च करोगे अपने बारे में। अच्छा लोग बेवकूफ हो गए, ये अकलमंद है, आप जानोगे क्योंकि जब
अल्लाह खुद ही फरमाते हैं कुरान पाक में कि भाई खुद को आप समझो, अपने आप को जानो। देखिए ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें आप सब हो कि भाई चाहे जो भी हो, काफिर हो, मुसलमान हो, जो भी हो, जिस फिरके में हो, उसको अपने बारे में पढ़ना चाहिए। तो जाने ना, आपने 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 क्यों नहीं पढ़ा, आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है सर? आप आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है? हमने तो पढ़ लिया, हमने कुरान पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए इस्माइल से मुसलमान हो गए ना। आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने? दुआ, आपको आपको दुआ का तर्जुमा नहीं पता? आपको इस्माइली दुआ का, आपको इस्माइली दुआ का तर्जुमा नहीं पता, तो क्या पढ़ा आपने? आपका टॉपिक क्या है? आप किस चीज के ऊपर आगे बात करते हो? जब आप ग्रुप में आते हो, आप लाइव किस चीज के ऊपर आते हो? अभी हम लाइव इस टॉपिक पर आए ना कि इस्माइलियों को अपनी दुआ के बारे में कुछ नहीं पता, ये टॉपिक है आज का। आपसे शुरुआत की है, बिस्मिल्लाह आपसे की है। इस्माइली दुआ का जो आपको इस्माइलियों को कुछ पता नहीं है, हमने बहुत सारे इस्माइलियों से बात की, लेकिन कोई भी इस्माइलियों के पास तर्जुमा उनको आता ही नहीं है। वो क्या पढ़ते हैं दुआ में, उनको खुद को पता नहीं है। जैसे आप हैं अभी, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना, आपको पता नहीं है, आपको ये नहीं है, वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, जैसे उसी तरह से वो सारे इस्माइली बोल रहे थे। अच्छा, आपके इमाम ने क्या गाइड किया आपको? आपके इमाम जो है आपको कुरान से गाइड करते हैं या कहाँ से गाइड करते हैं आपके इमाम? हेलो नजीर भाई, आपके इमाम जो है, जो इस्माइली दुआ आपने जो बनाई है, वो आपके हाजिर इमाम ने बनाई है या किसने बनाई है? आप मेरी बात सुन रहे हो? मैंने आपने कहा ना कि आपके हाजिर इमाम के गाइड हैं, तो आपके गाइड ने आपके गाइड ने जो दुआ है इस्माइली दुआ, वो उसने बनाई है या किसने बनाई है? अच्छा अनुल्ला भाई, इनको जवाब देने दीजिए। ठीक है ठीक है, दे दे जवाब। चलन क्यों करी भाई, मैं अपने फिरके के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो ना, आप कंप्लीट करने दे। बोलिए बोलिए। ये तो लड़ने वाली बात कर रहे हो यार, आप किसी के ऊपर सवाल पूछते हो, आप किसी से पूछते हो तो आप उसकी जवाब सुनो यार। बोलिए बोलिए। यार क्या यहाँ पे आगे जी, बोलिए भाई, आपको टाइम दिया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी फिरके से या किसी आप किसी का आपका रिलेट होगा, आप किसी से होंगे, क्योंकि आप जब हम आप किसी भी फिरके से होंगे ना, तो आप पहले अपने आप को सुधारोगे, जो आप लोग कर नहीं रहे हो। आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, हम बोल रहे हो कि हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। भाई आपने जो भी पढ़ा होगा ना, वहाँ पर आर्गुमेंट करके दूसरों के ऊपर गलत साबित करके ऐसा करके इस्लाम फैलाया था। देखिए आप बातें जो है ना, वो मौला अली की कर रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हो, लेकिन आपकी इस्माइली मजहब में दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है आपके मजहब से। देखो अगर आप कहते हो कि हमें खुद की इस्लाह करनी चाहिए, तो क्या आपने अपने ऊपर ये चीज इम्प्लीमेंट की है? आपको तो दुआ के बारे में भी कुछ नहीं पता, आपने एक तर्जुमा नहीं बताया, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी दुआ किसने बनाई है। तो फिर दुआ किसने बनाई है? तो दुआ किसने बनाई है आपकी इस्माइली दुआ? आपकी इस्माइली दुआ किसने बनाई है? किसने बनाई? क्या बात है? किसने बनाई? हाँ तो किसी ने लिखी होगी ना, आपके इमाम ने लिखी है, किसने लिखी है ये दुआ? कुरान को अपनी दुआ से मत मिलाओ मेरे भाई, तुम्हारी दुआ का ताल्लुक कुरान से नहीं है। अगर आप ये बात करते हो तो इमाम जमा लफ्ज है ही नहीं कुरान में, बात सुन रहे हो आप? आप क्या फिक होता है, आप क्या शरीयत होती है? देखो आप फिक की बात कर रहे हो, आप शरीयत की बात कर रहे हो, आपके इस्माइली मजहब में शरीयत होती ही नहीं है मेरे भाई। आप कौन से फिरके से हो, मुझे ये बताओ। फिरका क्या होता है? फिरका क्या होता है? तो आप इस्लाम मतलब मुसलमान है आप? नहीं नहीं, आप बताओ ना, कुरान में कहाँ लिखा है फिरका, चलो बताओ। नहीं लिखा है, तभी तो हम लोग यहाँ पे कुछ। हाँ तो नहीं लिखा तो फिर आप क्यों जबरदस्ती किसी को बना रहे हो? नहीं, जब अल्लाह ने नहीं बोला तो फिर जबरदस्ती क्यों बना रहे हो आप? और देखो जब एक इंसान ये कहे ना, देखो आपने अपने मजहब के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। लिसन, अब मसला मैं आपको कंक्लूड करती हूँ, आपकी आपकी मेंटालिटी कंक्लूड कर रही हूँ। आपसे सवाल हुए आपकी इस्माइली दुआ के मुतालिक,
आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब आप आ गए हो हमारे फिरके की तरफ कि अपना फिका बताओ। अब आपने ये प्रूव करना है कि मैं सारी चीजें जो है ना वो नहीं बताने वाला, लेकिन अब मैं तुम्हारे फिरके पे सवाल करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिरके को नहीं, हम कुरान को मानते हैं, ठीक है, हदीस को मानते हैं। जो चीज कुरान और हदीस से टकराएगी हम उसको उठा के दीवार पे मारते हैं। आप मेरी बात सुने, आप बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है इस्माइली और मुस्लिम में, बहुत फर्क है ना। हाँ बहुत फर्क है ना, ऐसा ही फर्क बहादुरी है, ऐसा ही फर्क नजीर भाई, ऐसा ही इनको बात करने दे, ऐसा ही फर्क नजीर भाई। ये आप नहीं हो उनमें से, नजीर भाई आप नहीं हो उनमें से, आप नजीर भाई आपके मुझे जरा इस्माइली कलीमा सुनाएंगे। कोई ठप्पा है आपके यहाँ पे नजीर भाई? मुझे जरा इस्माइली कलीमा सुनाएंगे, इस्माइलियों का क्या कलीमा है? उसके बाद भी है ना कुछ?